चलिए आज हम लोग देखेंगे जिंकम मेट के बारे में। चलिए जिंकम मेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आयरन ब्लड पे वर्क करती है, उसी तरह जिंक जिंक जो होता है, जिंक ये भी मेटल ही है। जिंक जो है आपका कहाँ यूज होती है बताइए? नर्व पे, है ना। यानी कि जिंकम मेट वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर नर्व अफेक्शन। और इसकी कॉलिंग कुछ अलग सी होती है। इसके चीफ कंप्लेंट है, आप पकड़ जाओगे कि ये जिंकम है। जैसे जिंकम मेट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, जो एक वर्ड आप यूज करिए, फैग। इसे किसी भी चीज़ का ओवर यूज हो जाने के बाद से, ठीक है, अगर उसमें फैग हो गया तो हम लोग जिंकम को सोचेंगे, जैसे कि ब्रेन फैग में, जैसे कि नर्व फैग में, इवन समटाइम कभी कभी मसल्स फैग में भी हम लोग जिंकम मेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब जगहों पर यूज करने पर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि खूब पढ़ाई किया, ठीक है, खूब पढ़ाई किया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एग्जाम के एकदम से पहले एकदम पता नहीं चल रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली वो नर्वसनेस नहीं होता है, एंटीसिपेटरी नहीं होता है अर्जेंटम वगैरह की तरह, बस बसरते इतना पढ़ लेते हैं कि फैग हो जाता है, एसिड फॉस की तरह, पित्रिक एसिड की तरह होता है इनका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको जिंकम में देखने को मिलेगी। तो क्लिनिकली जब जिंकम का पेशेंट आएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएगा जिसमें ये नर्व, ये फैग वाली चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। या तो ब्रेन फैग हो गया है, ध्यान नहीं दे रहा है, चीज़ों को रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो पेशेंट कहेगा खाने में पसंद, हाँ भाई बताओ। अच्छा खाने में पसंद, कभी कभी मीठा खा लेता हूँ मैं, वैसे मीठा उतना पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा ये बताओ तुम्हें ठंडी ज़्यादा लगती है या गर्मी? मुझे ठंडी या गर्मी? अरे भाई हाँ तुमसे ही पूछ रहे। अच्छा ये बताओ कमर दर्द तुम्हारा ज़्यादा कब होता है? कमर दर्द ज़्यादा, मतलब रिपीट द क्वेश्चन, जो भी पूछो रिपीट करेगा पहले, या फिर ऐसे बताएगा कमर दर्द ज़्यादा कब होता है? कमर दर्द डॉक्टर साहब जब ज़्यादा बैठते हैं तब होता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ देर तक सोचेगा, है ना, सोचेगा फिर जवाब देगा। तो रिपीट द क्वेश्चंस, रिपीट इज द मार्क फीचर ऑफ जिंकम्स। या फिर सोचेगा, थोड़ा सा डिलेड रिस्पांस करेगा, उसके बाद से जो है वो मन में ही सोचेगा, अच्छा कमर दर्द पूछ रहे हैं, ठीक है, बैठते हैं तब ज़्यादा होता है। उस सोचने में, एक बार रिपीट करने में उसका समय चला जाता है। जिंकम में हर एक चीज़ में रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे पैर को लटकाया है, ठीक है, रेस्टलेसनेस है पैर में, आप रिपीटेशन याद करिए, पैर लटकाया है और पैर को हिला रहा है, आपको कह रहे भैया क्यों हिला रहे हो? अच्छा ठीक है सर, नहीं हिलाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद डिस्क मारने लगा, ठक 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 ठक, क्यों कर रहे हो यार? अच्छा ठीक है सर, नहीं करेंगे। रेस्टलेसनेस इनका लोअर लिम्स में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, इनके पैर एक चैन से जो है रह नहीं सकते, इतना रेस्टलेसनेस है। ड्यूरिंग स्लीप में भी इनका पैर हिलता है, ड्यूरिंग स्लीप में भी वो पैर इनका हिलता है ना। तो रेस्टलेसनेस से इनके अंदर, लेट जाते हैं फिर भी पैर हिलता रहता है, ठीक है। इनको रिपीट द, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पहले जो है फेयर नहीं करते, पहले रफ करते हैं, पढ़ाई में भी पहले रफ करते हैं फिर उसके बाद से फेयर करते हैं, ये जिंकम वाले लोग हैं। हर एक चीज़ दोबारा करने की इनकी आदत हो जाती है। सोने जाएंगे इनको याद आएगा पता नहीं गैस बंद किया था कि नहीं, फिर जाके चेक करेंगे, चेकिंग द ट्वाइस। घर से बाहर निकलेंगे फिर याद आएगा ताला लगाया कि नहीं लगाया, फैन बंद किया था कि नहीं बंद किया था, बैग लेके चल रहे हैं, टिकट रखा हूँ या नहीं रखा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो रिपीटेड वाला चीज़ें होती है वो जिंकम में मेंटली रूप से जनरली मिलती है, ठीक है। तो ब्रेन फैग हो जाना मसल्स का, ब्रेन का, है ना, हर एक चीज़ को जो है रिपीट कर लेते हैं ये लोग, कुछ भी करेगा बार बार करेगा, है ना, एक ही काम करके फिर जाएगा चेक करने के लिए, पता नहीं वो सही हुआ है कि नहीं। गैस के केस में इनके साथ बहुत ऐसा होता है, ठीक है, पता नहीं रेगुलेटर बंद किया है या नहीं किया है। अपने सिम्टम्स को लेके ये बहुत ज़्यादा दूसरों को परेशान करे, ये हुआ है, यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ। अब इतना ज़्यादा इनके अंदर रिपीटेशन हो जाता है कि इनको डॉक्टर से भी इनको जो है वो नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अपने सिम्टम्स को घर वालों को परेशान कर देता है, बैक एक हो रहा है, ये नहीं जा रहा है, कमर दर्द नहीं ठीक हो रहा है, कहाँ दिखा रहे हो तुमको, सही जगह दिखाओ, पैर दबाओ, मेरे दर्द कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, फिर पैर दबाएंगे उससे भी नहीं कम होगा। तो इन सब जगहों पे जब बार बार एक ही काम के लिए को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो ऐसे केस में हम लोग जिंकम मेट को सोचते हैं। दूसरे जगह पे जहाँ जिंकम मेट को सबसे ज़्यादा यूज होता है, डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, ट्रिम्बलिंग में। ट्रिम्बलिंग विजुअल ट्रिम्बलिंग होता है, इतना ज़्यादा इनका ट्रिम्बलिंग होता है। डॉक्टर नेस लिखते हैं कि अगर पेशेंट में इतना ज़्यादा ट्रिम्बलिंग होता है कि जिस चरपाई पे वो लेटा रहता है वो चरपाई हिलने लगती है, इतना ज़्यादा ट्रिम्बलिंग होता है, शेकिंग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ट्रिम्बलिंग होता है। तो ट्रिम्बलिंग अगर कप कपी दिखे इतना ज़्यादा, तो फिर आप जो है एक बार जिंकम को डायरेक्टली सोच सकते हैं, जिंकम को रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जहाँ हम लोग जो है ये ट्रिम्बलिंग बेसिकली नर्व अफेक्शन की वजह से पार्किंसंस वगैरह में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, इसलिए पार्किंसंस की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन बनती है, पार्किंसंस डिजीज की, है ना, टिक की बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है। तो जहाँ नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो, नर्व अफेक्शन हो, ट्विचिंग ऑफ मसल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, एगरिकस और इग्निशिया भी जो आपको पता है, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, सिंगल मसल्स में ट्विचिंग हो रहा हो या फिर कहीं भी पर्टिकुलर जगह पर ट्विचिंग हो रहा हो, कांस्टेंट रिपीट हो रहा है, रिपीट मतलब हिल रहा है वो जगह। ट्रिम्बलिंग में भी क्या हो रहा है, हिल रहा है। पार्किंसंस में क्या हो रहा है, हेड नोडिंग हो रहा है, वो भी हिल रहा है, दाएं बाएं दाएं बाएं हो रहा है। तो हर जगह ये रिपीटेशन इज द मार्क फीचर। आप बस इतना रिपीट एक वर्ड यूज कर लीजिए जिंकम में, आप जिंकम समझ जाएंगे।
एगेरिकस और इग्निशिया है ना, इग्निशिया ट्विचिंग ऑफ मसल्स में, और एगेरिकस तो खैर है ही है आंखों के ट्विचिंग में, एगेरिकस बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो जिंकम मेट और पार्किंसन डिजीज में, टिक्स में, नर्व अफेक्शन में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आता है तो अपने कपकपी लेके आता है, तो एक बार हम लोग जिंकम मेट को सोच सकते हैं। तीसरी जगह जो सबसे ज़्यादा जिंकम मेट यूज होती है वो है सप्रेस्ड इरप्शन में। सप्रेस्ड इरप्शन यूँ कहो कि कोई दाना पड़ा हुआ है और निकल नहीं रहा है, वो उसी पर रुक गया है, और उसके जगह पे बुखार हो रहा है, कन्वल्जन हो रहे हैं, ठीक है, और भी तमाम दिक्कतें हो रही हैं। सप्रेस ड्यू टू आउटर, मतलब एक तरह से लोकल एप्लीकेशन के वजह से सप्रेस नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो वाइटल फोर्स ही उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ वो लोकल एप्लीकेशन या ओल्ड स्कूल की कोई दवाइयाँ खा लिया तो जो है सप्रेस हो गया, नहीं, वो रुका है उसी पर, आगे नहीं बढ़ रहा है, और उसके वजह से बुखार हो रहा है, कन्वल्जन हो रहे हैं, दाना नहीं ठीक हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सप्रेस इरप्शन में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर जिंकम मेट, ठीक है, जिंकम मेट बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन में, लेकिन वो सप्रेस इरप्शन होना चाहिए, लोकली रूप से नहीं। अगर लोकली रूप से सप्रेस कर दिया आपने, मतलब कुछ लगा के ड्यू टू आउटवर्ड कॉज से, तो वहाँ आप क्यूप्रम सोचेंगे सबसे पहले, सबसे पहले क्यूप्रम मेट, जैसे किसी ने लोकली लगा दिया, लगा के सप्रेस कर दिया, उसके बाद से किसी को कन्वर्जेंस वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसे। लेकिन ऐसे दाने जो सप्रेस वर्ड हम जरूर बोल दे रहे हैं, लेकिन ऐसे दाने जो निकल नहीं रहे, रुके हुए, अब निकलेगा, लेकिन उसके जगह पर बाकी सब चीज़ हो रही है, पेशेंट की हालत खराब हो गई है, तो उस कंडीशन में हम लोग जिंकम मेट को सोचते हैं। एक वर्ड में बोलें कि अगर जिंकम मेट को डिस्चार्ज हो जाए जस्ट लाइक टू ओफिडिया ग्रुप, तो इनको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है, डिस्चार्ज से आराम मिलता है। अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो इनकी सारी दिक्कतें एग्रेवेट कर जाएंगी। अस्थमा है किसी को, बहुत ही पिकुलियर पॉइंट है, ये सारी किताबों में लिखा, अस्थमा है किसी को, खांसी आ रही है, अस्थमा आ रही है, बलगम निकल रहा है, खूब निकल रहा है, तो इनको मतलब बलगम निकल नहीं रहा है और सांस फूले जा रही है, और एक बार बलगम निकलना शुरू हो जाता है तो इनके अस्थमा में आराम मिलता है। मतलब अस्थमा है, बलगम नहीं निकल रहा है, तो सांस बहुत फूल रही है, जैसे ही बलगम निकलना शुरू हुआ तुरंत इनका जो है अस्थमा आराम मिल गया। मेंसेज है, मेंसेज नहीं आ रहे हैं, उसकी जगह पे कन्वल्जन्स आ रहे हैं, फीवर हो रहा है या फिर कोई और दिक्कत हो रही है, लेकिन पीरियड नहीं आ रहा है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं उसकी जगह पे। तो आप ऐसे कंडीशन में, आप जब पीरियड आना शुरू होता है तो उनको दिक्कतों में आराम मिल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है जिंकम मेट्स सोच सकते हैं। इनको डिस्चार्ज से आराम अगर किसी पेशेंट को मिल रहा है, नो डाउट आप सबसे पहले लैकेसिस वगैरह रूल आउट करेंगे, लेकिन अगर लैकेसिस नहीं बैठ रहा है फिट, कोई ऐसा कॉज आ रहा है जिसमें नर्व का अफेक्शन हो रहा है, तो आप जिंकम की तरफ जाइए, मच बेटर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ इनके अंदर जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, रेस्टलेसनेस इन फुट, पैर में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, ट्रिम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रिम्बलिंग है कि एकदम से विजिबल होता है, एकदम दिखता है आंखों से। और तीसरा जो है रिपीट द एक्शन, क्वेश्चन को भी रिपीट कर लेगा, हर एक चीज़ को चेक करने की कोशिश करेगा, रिपीट रिपीट रिपीट। अब नर्व अफेक्शन में पार्किंसंस वगैरह हो गया, नेक्स्ट हमने बताया सप्रेस्ड इरप्शन, और फिर डिस्चार्ज से इनको आराम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जिंकम मेट वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर बैकिक, कमर दर्द के लिए हम लोग जो है जिंकम मेट को यूज करते हैं, जहां सिटिंग से एग्रेवेशन हो और मोशन से आराम मिल रहा हो। हाँ, कौन है यहाँ पे, ये कौन सी मेडिसिन का मॉडलिटीज है, कमर दर्द हो रहा हो, बैठने से बहुत ज्यादा हो रहा हो और मोशन से आराम मिल रहा हो, तो फर्स्ट मेडिसिन कौन सा हम लोग रूल आउट करते हैं कमर दर्द में? अभी मैंने लास्ट टाइम बैकिक पढ़ाया था ना, जल्दी बताओ बताओ भाई, हो गया। तो बैकिक हो, सिटिंग से एग्रेशन हो, मोशन से आराम मिल रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट मेट को याद करते हैं, रस्टॉक्स को याद करते हैं और जिंकम मेट को याद करते हैं। लेकिन कोबाल्ट मेट को आपको हमने बताया था कि कोबाल्ट मेट में इमिशंस के बाद अगर रात में इमिशन हो गया, सेमाइनल डिस्चार्ज हो गया, तो अगले दिन उठ नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। जिंकम मेट में इमिशन मतलब डिस्चार्ज, यानी सेमाइनल इमिशन हुआ, डिस्चार्ज हुआ, अगले दिन कमर दर्द में आराम मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई मेल या मेल पार्टनर से आप पूछ रहे हो कि अगले दिन क्या होता है सेमाइनल इमिशन के बाद, से कोबाल्ट मेट बोलेगा कि नहीं साहब, उठ नहीं पाते हैं। सेम मोडलिटीज बता रहा था, सिटिंग एग्रेवेशन, मोशन से आराम, लेकिन जिंकम को अगले दिन और ज़्यादा आराम मिल जाएगा, लेकिन कोबाल्ट मेट को अगले दिन जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और रस्टॉक्स में और कोबाल्ट, रस्टॉक्स और जिंकम में अगर रूल आउट करना हो, तो जिंकम को कंटिन्यू मोशन से ऐसा नहीं है कि बहुत आराम मिलेगा कि चलते रहो, रस्टॉक्स को कंटिन्यू मोशन से आराम मिलता है, जिंकम में बहुत देर तक चलेगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और साथ में रेस्टलेसनेस वगैरह दोनों में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कमर दर्द हो रहा हो, पेशेंट को बैठने से दिक्कतें बढ़ रही हो, मोशन से आराम मिल रहा हो, लेकिन इमिशन अगले दिन, इमिशन अगर हो रहा है सेमाइनल इमिशन, उससे और ज़्यादा आराम मिल रहा हो, तो आप जिंकम मेट को सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यूज करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी का अगर कॉन्स्टिपेशन हो, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, न्यू बॉर्न बेबी हो और एकदम मतलब जन्म से ही, एकदम बर्थ से ही पहले दिन से कॉन्स्टिपेटेड है, पेट नहीं साफ हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में आप जिंकम मेट को सोच सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे सो रहे होते हैं और एकदम से चिल्लाने लगते हैं, तो सो रहा है एकदम से चिल्लाने लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो, तो ऐसे कंडीशन में आप सो सकते हैं, ठीक है। सर दर्द हो रहा हो और वाकई में उसके साथ हेडेक हो रहा हो, मतलब हेडेक करें, हेडेक तो हो ही रहा है, ब्लर विजन हो,
एम्ब्लायोपिया, ब्लर विजन हो, बिल्कुल दिख नहीं रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप जिंकम मेट सो सकते हैं। हेडेक हो रहा हो और साथ में बिल्कुल ब्लर विजन हो तो आप सो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी जो ट्रिम्बलिंग है ना वो प्रोस्ट्रेशन की वजह से भी हो सकती है, लिख लीजिएगा कहीं पर भी, जो नर्व में इतनी ज़्यादा ट्रिम्बलिंग हो रही है, शेकिंग ऑफ हैंड वगैरह हो रहा है, वो हो सकता है प्रोस्ट्रेशन की वजह से हो। तो आप फर्स्ट दफ़ा में तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे, जलसीमियम वगैरह दे दोगे, लेकिन बाद में जब आप ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि नहीं ये तो जिंकम है, ठीक है। तो इनको जो है सर दर्द हो रहा हो, इवन मेनेंजाइटिस की भी बहुत अच्छी दवा है, ब्रेन अफेक्शन की मेनेंजाइटिस हो, साथ में बुखार आ रहा हो, कोई सप्रेस इरप्शन के वास्ते हो रहा हो, तो हम सोच सकते हैं जिंकम को, ठीक है। बच्चे शुरू में काफ़ी अच्छे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर बाद में जो है खूब पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, फिर बाद में एग्जाम से डरने लगते हैं, सब जानता है, जब पूछो तो सब कुछ बताएगा, एग्जाम देने जाएगा तो एकदम से फैक कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग जिंकम मेट को सोचते हैं। जो बच्चों का ये सर्वाइकल रीजन है नेक के आसपास, वहाँ दर्द होता है इनको, ठीक है। या फिर ऐसे लोग जो पता ना कि काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में बैठ गए, उसके बाद नेक सीधी कर रहे हैं तो सीधा ही नहीं कर पा रहे हैं, तब भी ऐसे कंडीशन में भी आप जो है जिंकम मेट को सोच सकते हैं, ठीक है। इनके स्पाइन में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, स्पाइन में बर्निंग, ठीक है, बर्निंग अलोंग स्पाइन, तो आप सोच सकते हैं। इनको स्टिमुलेंट्स किसी भी फॉर्म में पसंद नहीं होता, खास करके वाइन, शराब, अगर ये बियर पी लें या स्टिमुलेंट्स कोई भी ले लें तो इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लीडम वगैरह की तरह, फ्लोरिक एसिड, कैन नॉट टेक स्टिमुलेंट्स इन एनी फॉर्म, और मीठा भी उतना पसंद नहीं है, ठीक है, और मीट भी उतना पसंद नहीं है, मछली खा सकते हैं, डिजायर फिश हो सकता है, लेकिन मीठा उतना नहीं पसंद है, और स्टूडेंट तो वाइन ले लेंगे तो इनकी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो जिंकम मेट बेसिकली प्रोस्ट्रेशन ऑफ नर्व के लिए देते हैं, रेस्टलेसनेस के लिए देते हैं, एकदम से सप्रेस इरप्शन या सप्रेस डिस्चार्ज अगर हो गया है तो उस कंडीशन में हम लोग जिंकम मेट को सोचते हैं। डॉक्टर नेस अपनी एक स्टोरी लिखते हैं, हालांकि ये बहुत ही अच्छा केस उन्होंने लिखा था अपनी किताब में, कि एक लेडीज थी, उसको सरदर्द हो रहा था, साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट था और थोड़ा बहुत प्रोस्ट्रेशन था, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने उनको जलसीमियम दिया, फिर ब्राइनिया दिया, थोड़ा बहुत इम्प्रूव की, लेकिन उसके बाद से जो है इम्प्रूवमेंट होने के बाद से फिर अचानक से क्या हुआ, उसको चिलाया, बुखार आया, और फिर एकदम से उसकी सारी दिक्कतें बढ़ गई, हेमरेज होने लगा, एकदम से उसको प्रोस्ट्रेशन बढ़ने लगा, फिर एकदम से ट्रिम्बलिंग होने लगी, आंखें बाहर आ गई, हेड पूरा रिट्रैक्टेड हो गया, आई रोल्ड अप ऊपर की तरफ, मतलब चढ़ गया आँखें, और पेशेंट एकदम से अनकॉन्सियसनेस हो गई, मतलब एकदम से समझ लो कि वो जाने ही वाली थी, अब मतलब मरने ही वाली थी, इतना ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन हो गया। फिर इन्होंने देखा क्या कि जो सबसे खास बात है कि जिस बेड पे वो लेटाई हुई थी वो एकदम से बेड हिल रहा था, इतना ज़्यादा उसके अंदर ट्रिम्बलिंग था, और वो बेड को कस के पकड़ रही थी, जिसकी वजह से मतलब इतना ज़्यादा उसके शरीर में कपकपी थी, ट्रिम्बलिंग था कि बेड हिल जा रहा था। मतलब उन्होंने लिखा है कि वो पेशेंट टुवर्ड्स द पैरालिसिस ऑफ ब्रेन की तरफ जा रही थी, और फिर उसको हमने जिंकम मेट 200 पानी में घोल के दिया हर घंटे के बाद से, जो एकदम से खाना वाना पीना जो है सब कुछ छोड़ दी थी, फिर वो जो है जिंकम मेट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि मतलब ये काफ़ी खतरनाक केस था, ठीक है। अगर आप लोग डॉक्टर हॉलकॉम का अगर आप केस पढ़ते होंगे तो उन्होंने लिखा था कि एक बार मेरा एक पेशेंट था, उसको गोनोरिया था, और लोकल ट्रीटमेंट देने के बाद, मतलब कभी था लोकल ट्रीटमेंट हुआ था, मतलब ओल्ड स्कूल के, उसके बाद से वो यूरिन पास कर ही नहीं पा रहा था, मतलब सप्रेस इरप्शन हो गया, अब यूरिन पास नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल से उसको यूरिन पास हो रहा था, जब वो पास कर रहा था यूरिन तो पैरों को जमीन में सटा के ऐसे बेंड होके मतलब पास हो कर रहा था, बैठ के नी पोजीशन में उस तरह से पास कर रहा था, तब थोड़ा बहुत हो रहा था। पेरिनियम में बहुत ज़्यादा सोरनेस वगैरह हो गई थी, इतना ज़्यादा यूरिन रिटेंशन होने लगा, कैथेटर लगाना पड़ा, लेकिन कब तक कैथेटर पे रहेगा। तो फिर इन्होंने ध्यान दिया कि हाँ ये तो जो है कहीं सप्रेस गोनोरिया की वजह से तो नहीं ना हो गया, तो फिर इन्होंने जिंकम मेट दिया और वो पेशेंट ठीक हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने शायद एक दो केस और लिखे हुए हैं कि एक और लेडीज़ थी, उसको भी बहुत भयंकर ट्रिवलिंग था, बहुत ज़्यादा वीकनेस था, उसको भी जिंकम मेट दिया था। कहने का मतलब है कि आप इसको मतलब जिंकम मेट, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो दो तीन जगहों पे तुरंत सोचता हूं, जैसे ट्रिम्बलिंग में जब आता है, जैसे ट्रिम्बलिंग ऑफ हैंड वगैरह आता है या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज में ट्रिम्बलिंग वगैरह देखने को मिलती है, जिंकम मेट में तुरंत सोचता हूं। दूसरी जगह पे जैसे कि पार्किंसंस वगैरह या हेड नोडिंग आई उस जगह पे, और कभी कभी जो है जो हम लोग सोच लेते हैं वो है जैसे जिंकम फॉस, आगे जब मैं जिंकम ग्रुप को कंटिन्यू करूंगा वहां बताऊंगा विटलिगो वगैरह में, लेकिन अगर सिर्फ प्योर जिंकम की बात आ रही तो ये फैग वाले कंडीशन में, बैकेक में नहीं याद आती, क्योंकि बैकेक में और कोबाल्ट वगैरह ही संभाल ले जाती है, सप्रेस इरप्शन और डिस्चार्ज अगर सप्रेस होता है उसके बाद से अगर कोई दिक्कत हो रही तो लिख लीजिएगा। टेरिजियम में भी जिंकम मेट कभी कभी काम करती है, हालांकि टेरिजियम में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ अपने पास रेयर है, ठीक है। अमोनियम म्यूर भी अच्छा, अमोनियम ब्रोम भी अच्छा काम करती है, म्यूर नहीं ब्रोम,
अमोनियम ब्यूर है, अरे सॉरी अमोनियम ब्रोम है, और कौन सी टेरिजियम है कौन बताएगा, नेफ्थलिनम है ना, ये सब दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं। तो बस मेनिनजाइटिस हो, हेडेक हो, आंखों पे पर्दा छा गया हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, नर्व अफेक्शन हो, ट्रेवलिंग हो लोअर एक्सट्रीमिटीज में, कोई भी काम को रिपीट कर लेता है, बच्चे नींद में अचानक से सोने चिल्लाने लगते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो पहले ही दिन से, ठीक है कंजक्टिवाइटिस वगैरह में भी हम लोग सोच सकते हैं ना। ये कौन है, राम कौन है, ठीक तो बस इतना ही, अब आप लोग जोड़ दीजिए इसके बारे में।